ये देखो यहाँ पे राइड हो रही है। हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, दिस इज कुलदीप चंदोलिया और फ्रेंड्स हम जा रहे हैं कश्मीर। मम्मी और भैया सब अंदर तैयार हो रहे हैं, गाड़ी हमारी आ चुकी है। मैं दिखाता हूँ अभी गाड़ी कौन सी में हम जा रहे हैं और होप करते हैं ट्रिप अच्छा हो और ब्लॉग अच्छे बने। और अब मैं कश्मीर की वादियों में आप सबका स्वागत करूंगा थोड़ी देर के अंदर, जैसे ही मैं कश्मीर पहुंच जाता हूं। और आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके तो फ्रेंड्स ये कार है जो हम रेंटल कार है जो पंकज भाई हमारे साथ में जा रहे हैं, जो लास्ट क्या कहते शिमला व्लॉग में गए थे, शिमला वेब सीरीज में गए थे हमारे साथ। तो अभी देखो इस गाड़ी से हम जाएंगे आज। तो साहिल ब्रो हमारे साथ जा रहे हैं, सचिन ब्रो, पूरी फैमिली जा रही है, हम 5 लोगों की फैमिली है, सब लोग जाएंगे। हेलो एवरीवन, देखते हैं जा रहे हैं कश्मीर, बाकी देखते हैं अभी कैसा आता है ट्रिप। अपनी कार नहीं लेके जा रहे हैं हम लोग, हम लेके जा रहे हैं टोयोटा द इनोवा द कार। मम्मी जी हमें इस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, मम्मी जी होपफुली फैमिली अच्छे से जाए और सब कुछ अच्छा हो और अच्छे अच्छे व्लॉग बने मेरे चैनल के लिए। और चाहता हूँ कि ग्रो हो मेरा चैनल थोड़े दिनों के अंदर और होपफुली आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ग्रो जरूर होगा। हेलो नमस्ते नमस्ते, मैं कह राघव जी आज लांबा ला दी है कि ताडे वाले टोला ते ये भी जो लगे है फर्स्ट है कि टेप ला दें तो नहीं चके ब्राउन टेप लगा दें। साहिल का पीछे चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, लैपटॉप ले कुछ नहीं चल रहा लैपटॉप लेके गाड़ी के अंदर काम करने की विधि चल रही है इसकी। नहीं नहीं या तो लैपटॉप दे दिया बड़े भाई के पास है उसने, वो देखो स्टार्ट हो गया है वर्क फ्रॉम होम। फाइनली वी रीच लखनपुर और अब लड्डू खाएंगे, पठानकोट आ चुके हैं। साहिल भाई कैसे सफ़र पीछे कैसे कट रहा है? अच्छा मैं तो सोच रहा हूँ भाई, अभी साहिल भाई तो सो रहे हैं और मम्मी थोड़ा बात कर रहे हैं फोन में अंदर बैठे हैं गाड़ी की। और हम लोग खाएंगे लखनपुर के बेहतरीन लड्डू, वी आर इन लखनपुर राउट टाउन, लखनपुर के लड्डू देख लो आप। तो फ्रेंड्स फाइनली जम्मू पहुंच गए हैं हम और यहाँ पे मम्मी जी सो रहे हैं और साहिल भी सो रहा है मस्त नींद लेता हुआ। मम्मी तो पूरी नींद में, उनको पता ही नहीं लग रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उधर पंकज भैया ड्राइव कर रहे हैं, होपफुली हमें पहुंचा रहे हैं सेफ्टी से, होपफुली पहुंच जाएंगे तो पहुंच के दिखाते हैं आपको। ओके फाइनली गाइस हम पहाड़ियों पे पहुंच गए हैं और पत्नीटॉप जा रहे हैं, जम्मू क्रॉस कर लिया हमने, पत्नीटॉप के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे मेरे पीछे व्यू देखिए आप, पहाड़ियों का व्यू है बहुत ही तगड़ा बहुत ही अच्छा। और खाना खाने के लिए रुकेंगे। हाँ जी मम्मी जी क्या हो गया, तबीयत ठीक है? पैर थोड़े थक गए हैं मम्मी के, थोड़ी थकावट फील हो गई है चलते चलते। मम्मी फ्री रेस्टोरेंट है जिसके अंदर हम रुके हैं,
खाना खाने, ऐसे कुछ रेस्टोरेंट जिसमें हम खाना खाने रुके हैं, खाना ऑर्डर कर दिया है। देखो अभी घर वालों ने क्या ऑर्डर किया है, देखते हैं थोड़ी देर में क्या आता है हमारा खाना। अच्छा है, डेकोरेटेड है, अच्छा है। ये एसी लगे हुए हैं, यहाँ भी एसी, अच्छा डेकोरेटेड है। ये फैमिली खा रही है खाना, सबसे खाना हो गया है, मैंने ये खा लिया है, ठीक है। देखते हैं निकलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स खाना खा लिया है हमने और आगे रास्ते की तरफ, मंजिल की तरफ निकल पड़े हैं। साहिल भाई पीछे हैं, सचिन भाई इधर है, फैमिली पीछे बैठी है, फुल एंजॉयमेंट चल रहा है रास्ते का, मजा लेते हुए पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं। ये देखो तो पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं फ्रेंड्स, तो बहुत ही मजा आ रहा है। पर टेम्परेचर अभी 40 अराउंड ही है, गर्मी है यहाँ पे भी। जम्मू से निकले हैं अभी थोड़ी देर पहले हम, तो थोड़ा देखते हैं आगे आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे टेम्परेचर अच्छा होता जाएगा, होप सो, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स वीडियो बनाना, थोड़ा फाइनली हम क्या करते हैं शॉर्ट टनल के अंदर जा रहे हैं। देखो जय माता दी लिखा है, बहुत ही छोटी लग रही है मेरे को ये टनल, देखो कितनी हो सकती है। ओ तो फ्रेंड्स ये देखो हम यहाँ रुके थे और ये है अनार के बूटे, ये देखो ये अनार लगे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो ये अनार लगे हुए हैं, ठीक है, ये देखो ये भी अनार है, अनार के बूटे हैं सारे, अनार लगे हुए हैं इसके अंदर, अनार का पेड़। ये देखो अनार ऐसे उगता है, ऐसे उगता है अनार, ये सब अनार के बूटे हैं, देखो। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं पत्नीटॉप, मौसम है जो अच्छा हो गया, धूप है, बढ़िया है, ठीक है, थोड़ा मौसम के अंदर नमी महसूस हो रही है, एनर्जी थोड़ी लो है बिकॉज क्योंकि थक गए हैं जलंधर से। पैरा स्टॉप है जो हमने यहाँ पे लिया, अभी रूम वगैरह भी नहीं देखा, रूम वगैरह भी देखेंगे थोड़ी देर में। फैमिली इधर चल रही है पीछे सारे लोग, अब मेरे को भी दे दो शाना मुर्गी। हमने एक मिठाई खाई है यहाँ पे, इसको बोलते हैं शैना मुर्गी, शैना मुर्गी खाई है हमने मिठाई, अच्छा टेस्ट है। मैं दिखाता हूँ पार्क कैसा है आपको, ये है पहला पार्क, ठीक है, जस्ट है पिकनिक स्पॉट बना रखा है इन्होंने, अलग अलग हाइट में थोड़ी लंगूर भी यहाँ पे है बहुत सारे। ये कंबल वगैरह गोल गप्पे वगैरह खाने के लिए यहाँ पे, इतनी ऊपर आओ गोल गप्पे खाओ, इतनी ऊपर आओ मम्मी गोलगप्पे खाओ। ये है फ्रेंड्स पिकनिक स्पॉट पार्क, ठंडा ठंडा है, ठंडा ठंडा माहौल है पूरा। साहिल क्या बोलना चाहता है माहौल के बारे में,
पर वैसे वीडियो बहुत सही आ रही है, एच डी क्वालिटी में वीडियो आ रही है। और वे देखो वहाँ पे जो पीछे पहाड़ हैं, जो वो दिख रहा है ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। चाइना बॉर्डर है वो गाइस, चाइना बॉर्डर नहीं है ये, तो वेव को बनाता है आपको। चाइना बॉर्डर नहीं है ये, क्या कहते हैं, इसमें बर्फ पड़ी रहती है, इस वजह से ये गंजा हुआ बड़ा पहाड़ वहाँ से। ये देखो बहुत ही, तो मौसम तो मैंने ऑलरेडी अपडेट किया कि मौसम बहुत अच्छा है, बारक भी बहुत अच्छा है। मौसम अच्छा है इसलिए बारक अच्छा लग रहा है, ठीक है। एनके से लैब ये सब चल रहा है यहाँ पे, माहौल देखो आप मेरे पीछे, साइड है सन, एनके से साइड है सन और साइड है, उसको बता दिया था। अच्छा मौसम। तो फ्रेंड्स आके हम थोड़ा लेट गए, ठीक है, अब बहुत ही मजा आ रहा है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और पंजाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम है, इतना ज़बरदस्त मौसम है कि मज़ा आ रहा है। थोड़ा हल्का हल्का फील भी हो रहा है कि हवा लग रही है, ठंड लग रही है, बट नहीं, पर मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। मैं तो लेट गया आराम से ग्राउंड के अंदर आके, पार्क के अंदर आके लेट गया हूँ, लिटरली मज़े ले रहा हूँ पूरे। हॉर्स राइडिंग भी अवेलेबल है, ये देखो उन्होंने हॉर्स बांध, हॉर्स क्या वो थे, मिनी हॉर्स वो बांध रखे हैं। देखो अभी गए हुए हैं ये लोग, बाकी ये लोग घुमा के लिए कहते हैं इस रास्ते से, इस रास्ते से घुमा के लेते हैं, 300-400 रुपये लेते हैं, इस रास्ते से जाते हैं और आगे जाके घुमा के ले कहते हैं वापस यहीं पे। वो देखो वो लोग जा रहे हैं, वो देखो उस साइड से लोग जा रहे हैं, तो इनके कुछ चार्जेस रहते होंगे, रोड साइडिंग है यहाँ पे। 300 रुपये लेते हैं एक बंदे को राइड करवाने के लोग।